बलरामपुर में युवक के साथ क्वारंटाइन सेंटर में मारपीट करने का मामला सामने आया है और उसे दूसरे सेंटर में शिफ्ट करने के मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने नाराजगी जताई है और साथ ही कहा है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने इस मामले को लेकर जनपद सीईओ और तहसीलदार को फटकार भी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि इस युवक ने क्वारंटाइन सेंटर में खराब खाना मिलने का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई और उसे शहर से दूर डोरा में क्वारंटाइन कर दिया गया। आज भी आप अगर आप जिस बात को कहते हैं, हाँ। मैंने आज भी कह रहा हूँ, आज अब भी आपके सामने बात कर रहा है ना, अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, लड़का बता रहे कि आपने गंदी गंदी गाली दिया। मैंने कोई गाली नहीं दिया, झूठा सामने दिख रहा, हिम्मत क्या नहीं होती आप लोगों, क्या देखी उसके पिताजी के सामने इतना झूठ बोल रहा हूँ, हाथ नहीं लगाया हूँ। हजार दिन बाद उसके पीठ में दाग दिख रहा है, मतलब उसके पिताजी को क्यों नहीं मिलवाया? कई बार गुहार किया, आठ दिन बेसारा, जैसे कोई आतंकवादी है ये। देशद्रोही बोल रहे हो आप लोग, उसको क्या देशद्रोही है वो? क्या देशद्रोही है वो? अरे मैं दिल्ली शहर का रहने वाला लड़का है, भले गांव में पैदा हुआ, बस सुनिए मेरी बात सुनिए पहले आप। दिल्ली शहर में रहा है, अपने अधिकार को जानता है। राष्ट्रीय आपदा एक्ट लागू है ना, कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई भी इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को, जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। सागर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं।